हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं जेपे में न्यू अपडेट आया, कुछ फॉर्म भरना है कॉन्सेंट, तो चलिए देखते हैं कैसे फॉर्म भरना है। सिंपल सा जेपे पे क्लिक करिए, क्या क्या कोई टैक्स वगैरह ऐसा कुछ सिस्टम आया है तो यहाँ पे कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा, इसको स्किप कर दीजिए। अब स्किप करने के बाद इस तरह आपसे नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर, तो अपना मोबाइल नंबर जो भी लिंक हो मोबाइल नंबर डाल दीजिए। तो यहाँ मोबाइल नंबर डाल के एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दे रहा हूँ। फ्रेंड जैसे ही ओपन करोगे इस तरह ऑप्शन मांग रहा है यूज़र कंसेंट फॉर्म, ये कोई फॉर्म आ गया है। तो इसका कहने का मतलब यही है, न्यू आया अपडेट जैसे कि होगी इस तरह आ गया, आपका जो भी पैसा रखे हो जो भी है तो आप ओपन ही नहीं कर पा रहे होगे, तो सिंपल सा इसको भरना होगा। रीज़न ये है कि टैक्स पे करने के लिए ये सब रीज़न है, गवर्नमेंट जानना चाहती है ऑलरेडी वैसे भी। तो कहने का मतलब अगर एक बात बताऊँ तो ये जेपे कभी बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे डेटा होते हैं जो भी है ना सारी गवर्नमेंट को भेज जाते हैं, नहीं वो देखता है। तो इसी तरह ये पहले भी ऑलरेडी आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे अपना जो भी है आप कितना यानी इससे ट्रेडिंग करके या कितना एक्सपीरियंस वगैरह है यही चीज़ इसमें फिल करना है खुद से, यानी खुद से बता दो, नहीं तो वैसे भी हो तो डाटा निकाल ही लेगी, कॉमन सी बात है। तो इसलिए सिंपल सा ओके कर दो, यहाँ पे पहले ही डाल दो क्या क्या है पूरा। तो ये पूछ रहा है ये KYC कॉन्टेंट वी डू नॉट अलाउ NRI, मतलब वही सर गवर्नमेंट को दिया जाता है पूरा। तो यहाँ पे नीचे देखिए दिख रहा है यस आई एम इंडियन रेसिडेंट, बस इस पर क्लिक कर देना, इसको आपको फिल करना है ये। अब इसके बाद देखेंगे ईमेल, पैन कार्ड, बैंक, आधार नंबर, ये सारे आपने ऑलरेडी पहले से वेरीफिकेशन कर दिए हैं। अब नीचे आ गए कॉन्सेंट फॉर, तो यहाँ पे ये आपको वेरीफिकेशन करना है, कंटिन्यू वेरीफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पे सबसे ऊपर दिख रहा है आपको एक्सपीरियंस, यानी ट्रेडिंग ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जीरो जितने साल का एक्सपीरियंस है ईयर या कितने दिन से कर रहे हो, तो सिंपल अगर जीरो रहना है तो जीरो ही रहने दो। अगर आप रेस्टिडेंट डिटेल्स पूछ रहा है तो आप रेंट पे रहते हो यानी किसी के भाड़े के कमरे पे रहते हो या खुद का घर है, तो सिंपल सा मेरा खुद का घर है तो मैं ओन्ड पे क्लिक कर देना। इसके बाद सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहा है, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है, तो यहाँ पे अगर सैलरी कहीं से पाते नहीं सरकारी जॉब में, अगर बिजनेस करते हो बिजनेस में सेलेक्ट कर दो, नहीं तो अदर पे सेलेक्ट करके आप डाल दो सोर्स ऑफ इनकम। तो यहाँ पे ऑलरेडी डाल दो फार्मर वगैरह जो भी हो फार्मर। और इसके बाद यहाँ पे ग्रॉस एनुअल इनकम तो यहाँ पे डाल दो, जैसे आपकी इनकम कितनी है ग्रॉस लगभग, यानी जैसे देखिए 5 लाख के नीचे, यानी अगर 1 रुपये से 5 लाख के बीच में है तो 5 लाख वाले सेलेक्ट कर दो, अगर 5 से 25 के बीच में है तो बीच वाले सेलेक्ट कर दो, नहीं तो 25 लाख के अंडर में है तो आप इस पे लास्ट में सेलेक्ट कर, लेकिन सिंपल सा 5 लाख के नीचे है तो यहाँ पे। और सोर्स आप क्रिप्टो करेंसी तो न्यू यूज़र पे क्लिक कर दो, अगर माइनिंग कर दो तो माइनिंग पे क्लिक कर दो, नहीं तो इतना करके बस सबमिट कर दो। तो ऑलरेडी जो भी है देखिए मैंने यहाँ पे डाल के अब सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे ही क्लिक करूँगा ये कंग्रेचुलेशन योर कंसर्न डिटेल हैव बीन एडेड सक्सेसफुली, बस इतना ही सिंपल करना है, समझ रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ऐसे यूजर हैं जिन्हें कुछ पता भी नहीं है, जेपे पे आईडी बना लिए तो ऐसे सिंपल ऐसे नॉर्मली आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ है जैसे जहाँ से इनकम है, अभी ट्रेडिंग से हमें नहीं लगता कि काफ़ी लोग को इनकम होगी, काफ़ी लोग तो लॉस में गए होंगे, तो लॉस में गए उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लॉस में हो तो अपना सोर्स ऑफ इनकम डालो, ट्रेडिंग वगैरह मत डालो, अपना जो भी है वो इनकम डालो, यानी कि ट्रेडिंग डाल दो। तो सिंपल सा जो भी है जैसे इनकम आपको हो रही है उसी तरह डाल दो, एक्सपीरियंस ईयर्स वगैरह सब जीरो कर दो, नहीं तो अगर एक्सपीरियंस है अच्छे से इनकम कर रहे हो तो आप डाल सकते हो अपना एक्सपीरियंस 4 ईयर्स 2 ईयर्स 3rd ईयर जितना दिल करे उधर, बस सिंपल सा ही करना है, बस आपकी आईडी कंप्लीट हो जाएगी। तो बस अभी सिंपल सा बैक करके आप जा सकते हो, ओपन होने लगे, ये देखिए मेरी आईडी है ओपन हो लगी। तो दोस्तों बस इतना ही करना, अगर वीडियो नहीं समझ में आया कोई भी इशू हो रही है तो नीचे कमेंट में करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिंपल सा सब्सक्राइब कर दीजिए।